सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैनल आ चुका है जो आपको पैनी गुरुजी के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैनी स्टॉक्स ही रेकमेंड किए जाएंगे जो आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो है बहुत सारे पैनी स्टॉक्स ऑलरेडी रेकमेंड किए हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर जो है उनको विजिट कर सकते हो। और सेकेंड, आप देखोगे हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है जहाँ पर आपको जो है कोई भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट आती है। जैसे अभी सुवेक्स वाली कोई न्यूज़ आई थी तो पहले हमारे टेलीग्राम पर हमने जो है उसके लिए आपको बता दिया था कि सुबैक्स के जो है पार्टनरशिप होने वाली है। जी हाँ, तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, चैनल के अबाउट में जाकर आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इसको DK। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। जी हाँ, आप देखोगे IT सेक्टर की कंपनी है और आज हमें जो है इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से मेन बात आती है कि क्या हमें यहाँ पर इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। सभी का यही सवाल होगा कि आज इसके अंदर अच्छी तेज़ी आई है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए, और क्या हमें ऊपर में टारगेट या स्टॉक दिखा सकता है। तो आप देखोगे पहले तो इसके अंदर रिटर्न एक साल के मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको जो है 21% की गिरावट देखने को मिल रही है। और आप देखोगे अपने 52 वीक हाई से 26 रुपये इसके जो है 52 वीक हाई है, और वहाँ से आप देखोगे स्टॉक हमें जो है 39% के आसपास गिरावट पर देखने को मिल रहा है। तो 26 रुपये से आप देखोगे 16 रुपये पर, तो सारे के सारे जो इसके अंदर हमें नेगेटिव साइन देखने को मिल रही हैं। 52 वीक हाई से डाउन ट्रेड कर रहे हैं। एक साल में अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो वहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एंट्री लेने से पहले 100 बारी सोचना होगा। आज आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी है स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त लगी है। 1 करोड़ हमें जो है इसके अंदर वॉल्यूम लगते हुए नजर आ रही है, यानी 10 मिलियन अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ के आसपास, तो ज़बरदस्त वॉल्यूम लगी है। तो यहाँ से तेज़ी का रीज़न क्या है? आपके सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि आज इसके अंदर ये तेज़ी आई है 6-7% की, ये क्यों आई है? 6-7% का स्टॉक आखिर क्यों भागा है? सबसे मेन रीज़न तो यही होगा। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका रीज़न क्या है भागने का। तो आप देखोगे इसकी जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, 18 घंटे हो चुके हैं, यानी कल 17 अगस्त को इसकी जो है लेटेस्ट अपडेट आई थी वो क्या थी? फंड रेजिंग को लेकर। जी हाँ, फंड रेजिंग को लेकर जो है इसकी बोर्ड मीटिंग होनी है 25 अगस्त को, इसी कारण आज हमें जो है ये इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिली है। तो यही जो है इसकी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कंपनी जो है फंड रेजिंग करने वाली है, जिसके रिगार्डिंग 25 अगस्त को हमें जो है इसकी एक बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेगी, और उस मीटिंग के अंदर हमें जो है फंड रेजिंग को लेकर कुछ डिसीजन लेते हुए कंपनी नजर आएगी। तो इसी कारण हमें जो है ये आज तेजी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। तो इसी कारण हमें जो है आज स्टॉक के अंदर ये तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से स्टॉक के क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, तो चलिए वो मैं आपको सब दिखाता हूँ चार्ट पर, आखिर चार्ट ने इसके क्या संकेत दिए हैं। तो आप देखोगे यह है इन्फीबीम का चार्ट। तो यहाँ पर आज का प्राइस जो अपडेट नहीं हुआ है, कल वाला प्राइस हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे में ऐसे में इसका जो सपोर्ट बना हुआ है वो क्या है, 14 रुपये 70 पैसे नीचे में सपोर्ट है। ऊपर में मैं टारगेट की बात करूँ तो हमारा जो पहला टारगेट था 15 रुपये 96 पैसे, आज जो है स्टॉक इसको ब्रेकआउट कर जाएगा। और ऊपर में आप देखोगे 16 रुपये 96 पैसे इसका फिर ऊपर में टारगेट रहेगा। स्टॉक हमें जो है कल इस टारगेट को अचीव करते नजर आएगा, और यहाँ पर हमें जो है इसके अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ऊपर में इसके ये टारगेट्स निकले हैं। अगर आपने पीछे इसको यहाँ से बाई किया हो तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी है। स्टॉक ऊपर में हमें जो है अप्रोक्सीमेट 17 रुपये के आसपास जाते देखने को मिला था, और वहाँ से आप देखोगे स्टॉक के अंदर हमें जो ना करेक्शन देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेट 5 अगस्त से। तो 5 अगस्त से आप देखोगे इसके अंदर करेक्शन हो रहे हैं, और यहाँ से हमें जो ना एक अच्छी उम्मीद देखने को मिली है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर फिर से तेज़ी की संभावना बन रही है। तो यहाँ से स्टॉक हमें जो ना फिर से टर्न करते हुए नजर आएगा, वापस ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसकी जो न्यूज़ निकल कर आई है वो ज़बरदस्त है। कंपनी जो ना फंड रेज करने वाली है, उसके रिगार्डिंग 25 अगस्त को इसकी जो ना मीटिंग होने वाली है, इसी कारण स्टॉक के अंदर ये तेज़ी आई है। तो लेटेस्ट अपडेट इसकी यही है। जो टारगेट निकले वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।